बोर्ड ने कोर्ट को कि हम इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। हमारे पास डिग्री है 2017 से डिग्री है, उसमें 10% इंटरेस्ट लिखा हुआ है। कहते वी विल नॉट पे यू एनी इंटरेस्ट और एनी डिले चार्जेस। आपको सिंपल जो है फ्लैट लेना पड़ेगा, फ्लैट लेना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम कह रहे हैं रेडी है, ठीक है हमें फ्लैट दे दो। लेकिन फ्लैट भी नहीं बन रहा ना, वो डिग्री को ऑनर कर रहे हैं ना हमें फ्लैट दे रहे हैं ना हमें डेट दे रहे हैं। हमारे जस्टिस ML शाह थे वो अभी रिटायर हो गए हैं जून में। हमारी बेंच भी खत्म हो गई है, अभी बेंच भी फॉर्म नहीं हुई है। 2 महीने कोर्ट में छुट्टियां थी और 3 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट ओपन हो चुका है, अभी तक हमारी बेंच फॉर्म नहीं हुई है, हमारा केस नहीं लग रहा। तो सर आज जंतर मंतर पे आ रखे हैं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो, जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको पास किया जाए, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो। हम लोग जो है ये ग्रांट पे रह रहे हैं, बैंक में को EMI दे रहे हैं और मार्केट में किराया दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने लोगों को उन्होंने ऐसे किया है? ये 20,000 लोग हैं सर जो चीटर है, होम बायर जो है, जो धोखा खा के बैठे हुए यूनिटेक्स से। 20,000 लोग हैं, बहुत बहुत बड़ी 74 प्रोजेक्ट्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, जरूर इंस्टॉल बीजे पेंडिंग पड़े हुए हैं, अनइंस्टॉल है बीच में। तो आपने केस डाला हुआ है? केस डाला हुआ है, मेरे डिग्री भी है। तो क्या कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट वो कह रहा है कि हमारे पास डिग्री ऑनर, हम ऑनर नहीं कर सकते, हमारे पैसे नहीं है विद इंटरेस्ट बैक आपको वापस दे सके, आप अपना फ्लैट ले लो। हमने कहा ठीक है, हम फ्लैट लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फ्लैट तो दो ना, फ्लैट भी नहीं दे रहे। तो इस पूरे प्रकरण में लगभग कितना पैसा अभी फंसा होगा आपके अनुसार? पूरा तो एस्टिमेटेड जो है कम से कम भी 20,000 करोड़ से ऊपर ही है। 20,000 करोड़, हाँ, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का अपार्टमेंट है, ये 20,000 बंदे हैं तो हर एक का। तो आपके पास कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है या? हाँ रिटर्न है, सब कुछ रिटर्न है सर, डिग्री या कोर्ट की डिग्री है। मेरे को 10% रिफंड भी मिला कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। वो बोलते कि हम आपको उसमें रिफंड मिला तो सिर्फ हमारी डिग्री ऑनर किया तभी हमें रिफंड मिला ना, उसके बावजूद भी फिर हमारा केस बीच में लटक गया बीच में। तो आपके चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं? चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, वकीलों को पेमेंट कर रहे हैं, बैंक की EMI भर रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर से मिले, उन्होंने क्या जवाब दिया? वो बोले रेजुलेशन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया 2 जनवरी 2020 में, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, उसके बाद भी डिले। 2 साल कोरोना आ गया, 2 साल से अब ये अच्छे 4 महीने बाद एक डेट लगती है, अब अप्रैल से डेट नहीं लगी है, तो फिर कैसे रेजुलेशन पास होगा? क्या लग रहा सरकार आप पे ध्यान नहीं दे रही है? सरकार ध्यान नहीं दे रही है ना। अच्छा। वो इनका आपस में विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का आपस में विवाद, उसमें हम पिस रहे हैं, आटे में घुन पिस रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज ये चाहना चाहते हैं कि हमारी जो हम पुअर होम बायर्स हैं, हमारी सुनो, अगर गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा हमारा? जी इसके ऊपर हम जा ही नहीं सकते ना, सुप्रीम कोर्ट में हम डिग्री लेके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, इसके ऊपर तो कोई कोर्ट भी नहीं है, और हम कहाँ जाएं फिर? सुसाइड करने के लिए मजबूर होंगे फिर, हमारे पास छत पे नहीं है, 60 साल का हो गया हूँ अभी, छत पे भी नहीं है, किराए पे रह रहा हूँ। जैसे आज आप जंतर मंतर आए हैं, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम तो सर आप देखते हैं, कोर्ट आप मेमोरेंडम भेजा है PM ऑफिस को, ये क्या सुनवाई करते हैं, हमारी बेंच बना के आगे केस को, हम तो कहते हैं जल्दी से स्पीड अप करें और हमें न्याय दे कम से कम, हम तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हाथ जोड़कर। आप लोग CGI चंद्रचूड़ के पास भी गए थे क्या? CA चंद्रचूड़ के पास तो हमने उनको मेल किया, उनको मेल किया, वो मेल पे तो रिस्पॉन्ड करते नहीं ना, उनको तो हम जा नहीं सकते ना, उन्होंने जस्टिस सप्रे अपॉइंट किए हैं, बीच में मीडिएटर किए हुए हैं, उनको हम मेल करके हैं, वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, मगर उन्होंने इसका मतलब कोई सपोर्ट नहीं किया? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं किया सर, तभी तो हम लोग यहाँ आए, सपोर्ट करते थे हमें आने की जरूरत क्या पड़ती सर। ठीक ठीक है सर, ओके थैंक यू। ये 21,000 लोग है जो अफेक्टेड है, यूनिटेक के प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया में 2006 से हुए हैं और करीबन 2012 से काम बंद हो गया। यूनिटेक के प्रमोटर चंद्रा ने 16,000 करोड़ का गबन किया है, इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑलरेडी ग्रैंड थॉर्टन ने बना के सुप्रीम कोर्ट को दिया है। ये चंद्रा जो है, चंद्रा ब्रदर्स जितने हैं वो लोग तो जेल में बंद है, पर 16,000 करोड़ में से सिर्फ ED 1,000 करोड़ अभी तक ले आ पाई है। और हम 2017 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हमारे पास में लीगल डिग्री है जो कोई चेंज नहीं कर सकता है, उसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर नहीं किया है, और 2017 से सिर्फ तारीख पे तारीख करते हुए इस साल लास्ट पूरा साल में हार्डली 2-3 तारीख हुई है, वो भी ट्रंकेटेड हुई है, और 12 अप्रैल से एक भी तारीख नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी केसेस लेता है, हेडलाइन ग्रैबिंग वाली बड़ी बड़ी केसेस है, वो हमारी केस को उनको कोई मान, जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ जो अभी CGI है वो हमारे बेंच पे 2017 से है, उनको पूरा प्रॉब्लम मालूम है क्योंकि शुरू से वो साथ में है।
पर हमारा अभी तो कोई निदान नहीं हुआ, ना कोई सुन रहा है ना कुछ कर रहा है। हमने पीएमओ को लिखा, प्रेसिडेंट को लिखा, चीफ जस्टिस साहब को लिखा, इतनी मेल लिखी, इतने रजिस्टर पोस्ट भेजे, सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ा। 480 सिग्नेटरी, 480 1000 करोड़ रुपया जो जब्त किया ईडी ने, वो आपको कुछ वापस दिया नहीं? एक पैसा नहीं दिया, इनके भी नहीं दिया। घर बन नहीं रहे हैं, मतलब हमारे को जस्टिस तो बिल्कुल है ही नहीं कहीं भी। पिछले एक साल से मतलब सारी हियरिंग्स जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं वो पोस्टपोन होती जा रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, हाँ जी, अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए, बहुत से प्रोजेक्ट है जिसका काम शुरू नहीं हुआ है, बहुत से प्रोजेक्ट आधे में छूट गए हैं। 2012 से कोई काम नहीं हुआ है, तो पूरा कंस्ट्रक्शन शट डाउन है, पूरा, मैं बता रहे ना। और ये कलकत्ता से लोग आए हैं, कलकत्ता सब जगह उनके प्रोजेक्ट है। आपका प्रोजेक्ट का क्या पोजीशन है? हमारा प्रोजेक्ट का 2 बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, बाकी बहुत सारा थोड़ा कम्प्लीट करके छोड़ा हुआ है। मैंने बहुत लोगों को नहीं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शटडाउन 2016 से कोई कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं। मैं लास्ट पेमेंट किया 2016, उसका आगे कोई कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं, कुछ नहीं, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, सड़ रहा है बिल्डिंग। और मैं भी कलकत्ता से हूँ, तो वही 2012 से चालू हुआ, 2016 का बाद काम बंद हो गया। 2016 में हैंड ओवर देने का बात था, तो हैंड ओवर का बात नहीं, किसी का आता पता नहीं, कुछ नहीं है। और करीब कलकत्ता में यूनिवर्सिटी में करीब आपको 2000 से ज्यादा होमबायर रास्ते पे घूम रहा है। जैसे हम लोग 2016 से फ्लैट मिलना था, जिंदगी का सारा कमाई प्रोविडेंट फंड का 90% सब कुछ लगाने के बाद अभी रास्ते में घूमने पड़ रहे हैं हम लोग को। और बोल रहा है ये 75 साल का आजादी दुनिया का बात सुना जा रहा है। केस तो चल रहा है, लेकिन तारीख पे तारीख और मरने का बाद देगा। पेमेंट जो है 2011 में बुक किया था ये जी ब्लॉक में, अभी वहाँ पे खुदाई क्या एक ईंट भी नहीं रखी हुई और हमने 90% पेमेंट की हुई है। मतलब हमारा इतना पैसा ब्लॉक्ड है वहाँ पे, आप सोच सकते हो। बेसमेंट की खुदाई हुई है, आपने 90% पेमेंट कैसे कर दिया? पहले हमने सबमिशन दिया था, फिर उसके बाद पहले जैसे लोन लिया, उसके बाद हमने पे कर दिया सारा जो है, हमने कहा कि हम पे कर देते हैं, इतना लोन कौन उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट हम पहुंचे थे 2018 में, आज 6 साल हो चुके हैं, 17 जुलाई है, चलिए 17 मार्च, तो 17-18 में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, आज 6 साल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया कंपनी को, उसके बाद एक नया बोर्ड अपॉइंट कर लिया, नए बोर्ड ने रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क प्रेजेंट कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जस्टिस कम्प्लीटली डिनाई कर दिया गया है, ना कंपेंसेशन है ना रिफंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हम ही सबसे बड़े फाइनेंसर हैं और हम दोबारा से और तो उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी जैसे एनबीसीसी है वो बना के दे रहे हैं फ्लैट, ऐसा और कर लिया है, लेकिन आगे और हो रही है। आप सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक जिस समय ये सब चालू हुआ 2012 से बंद है, इंडिया में नंबर 2 रियल्टर था। मैडम ने किसी ने बताया कि खुदाई नहीं हुई है बट 95% पेमेंट दे दिया। हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर टाटा को आप चोर तो नहीं कह सकते, टाटा को आप चोर कहेंगे नहीं, आप टाटा के नाम से पैसा डाल देंगे। वैसे ही यूनिटेक था, बहुत बड़ा रियल्टर था, आधी गुड़गांव उनकी है, हम लोगों ने सब गुड फेथ में पैसा दे दिया है और अब 15 साल से हम मर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में नहीं हो रहा है, बोर्ड ने कुछ करने रहा, ऑर्डर्स नहीं हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। दूसरे केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग कब से बंद है? 12 अप्रैल 2023 के हुए, उसके पहले जितनी हियरिंग हुई है सब छोटी छोटी 10-15 मिनट की, वो चंद्रा के बीबी को बेल देने के लिए उसके लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हो भी रही है उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे होम बायर्स का बोलना अलाउड नहीं है, सिर्फ ASG वेंकट रमन वहाँ बोलने अलाउड है और वो हमारी कोई बात नहीं रखते। उन्होंने ऑलरेडी जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया है उसके अंदर ना रिफंड है ना कंपेंसेशन है। कंस्ट्रक्शन की कोई बात उन्होंने जो की हुई थी वो 1 साल हो चुका है डेट निकले हुए, ना कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, हमसे ही उल्टा और पैसा मांग रहे हैं, हमारे ऊपर 9% की पेनल्टी लगा रहे हैं।
अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय, ये गवर्नमेंट कर रही है। इसीलिए हम लोग पीएमओ पे प्रोटेस्ट करने वाले थे, अपनी अरेस्ट करवाने वाले थे। सरकार ये इतनी अन्यायी सरकार हो चुकी है, जो करना है कर लीजिए। हम यहाँ मैंने अपने फ्लैट बुक करवाया था, सबवेंशन स्कीम में था, चार साल में यूनिटेक ने हमने 12 से लेकर 14 तक हर पेमेंट ले लिया, 95% पेमेंट ले लिया और सारा काम सरकार का बोर्ड है। सरकार का बोर्ड चार साल का, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बनती है ना। 2020 कैसी बात कर रहे हो, 2020 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनका है, 2020 से देखो क्या हुआ है। उनके तीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में थे, धोखेबाज थे, उनको चले गए हैं और चार साल हो गया है। और ये आईएएस ऑफिसर है, सीएमडी और एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया है। अरे ये इंजीनियरिंग काम है, इसमें ये आईएएस क्या करेंगे, रिटायर्ड और रिटायर्ड जज क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन हो सकता है? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। दिवे चंद्रचूड है, उनका तो ऐसा रेपुटेशन है कि वो आम आदमी का सुनते हैं और ईमानदार। भाई साहब चंद्रचूड के साथ में हम लोग जुलाई 17 में गए, 2017 में, आप क्या बात कर रहे हो। सात चीफ जस्टिस चले गए, आए और चले गए, वो चीफ जस्टिस बन गए। उन्होंने जस्टिस साहब ने, चंद्रचूड़ साहब ने अपना इमेज बड़ा अच्छा बना दिया, पर हमारा तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना, हमारा तो केस उन्हीं के पास में है। चार साल तक टेक ओवर किया होगा तो क्या हुआ, चार साल में टेक ओवर का, चार साल हो गए टेक ओवर किए, रेजिस्ट्रेशन प्लान अभी तक पास नहीं हुआ। हम अगर वाइल्ड जो वाइल्ड आपके जो फार्मर्स है ना, ऐसे होते ना, एनसीआर का सारा हाईवे बंद कर दिया होता, वो हमारे लोगों में है, हम लोग शरीर लोग कर नहीं सकते, नौकरी वाला का आदमी है, टैक्स दिए हैं, हमको जेल में जाने के चक्कर में हम पड़ेंगे नहीं। बट अगर हम रिच फार्मर होते, लगभग आपको कितना इंडिविजुअल कितना पैसा, मिनिमम 2 करोड़ रुपए पेड किया हुआ यूनिटेक को, 95% पेड। आज की डेट में फ्लैट 1.5-2 करोड़ की है, बाकी 5% जो है कोलकाता से आया हूँ, 2014 में लिया हूँ, 80% पेमेंट हो गया। कितना गया 80% लगभग? ऑलमोस्ट क्लोज टू 85 लाख। अभी मैं 14 से वेट कर रहा हूँ, हम लोग का हार्ड अर्न मनी है, मैं शिपिंग में हूँ, जहाज बाहर जाता हूँ पानी में नौकरी करने, सब वही फ्लैट मिलेगा, रहेंगे उसमें, और पूरा 14 से हम लोग फंसे हुए हैं। क्या कहेंगे? ये भी ना, मैंने 2014 में लिया था, 2014 से अब तक पानी, मेरी बेटी उस वक्त 9th में थी, अब मेरी बेटी की शादी हो रही है, वो चली जाएगी, बच्चे चले जाएंगे, घर में लेके वे क्या करेंगे, लेकिन घर नहीं मिला, इतना पैसा फंसा हुआ है, कम से कम भी ने 1 करोड़ से ऊपर पैसा फंसा हुआ है। सर ऐसा है, 2009 में हमने 2 फ्लैट बुक कराए थे, जिसका लगभग 2.5 करोड़ जा चुका है, 2 फ्लैट का, एजेंसी में कराया था, एक ब्लॉक में कराया था, और वहाँ पे एक मतलब खुदाई तो गई आज तक। आप ये देखिए, मैं बीमार आदमी हूँ और जैसे मुझे खबर है रात को 2:30 बजे, पहले हमारा प्रोटेस्ट था पीएम हाउस, अभी वो चेंज हुआ। प्लीज एक मिनट, प्लीज सोसाइटी का, ये देखिए, ये हम लोग का हमारा मुझे, पहले पीएम हाउस में था, मतलब आप लोग माने रोड पे, अभी रात को मैसेज आया 2:30 बजे की वहां से चेंज करिए, पुलिस से मना करिए, आप यहाँ करिए। तो मैं 70 साल का हूँ, बीमार आदमी हूँ, आप अंदाजा लगाइए एक एक पैसा कैसे इकट्ठा किया होगा, एक एक रुपया कहाँ से इकट्ठा किया होगा, ये भी चलो घर बन जाएगा 69 बरस, मेरा नाम जन किशोर, और एक एक पैसा कैसे इकट्ठा किया होगा, आप ये अंदाजा लगाइए। 2009 बस बिल्डर के हिसाब से प्रोफाइल फंडिंग कर दी गई है, बस आप जी होम बायर्स का किसी का भी पैन कार्ड आधार कार्ड ले आओ, बस हम लोन दे देंगे, कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। और आज की डेट में 10-10 हजार केसेस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, ICICI बैंक के 10 हजार केसेस कोर्ट केसेस, चेक बाउंस के 30 हजार ही कोर्ट में है, 10 हजार केसेस एक्सिस बैंक के आपके द्वारका कोर्ट में, आप द्वारका कोर्ट जाओ तो पूरा एक्सिस बैंक का है, और सारे ये होम बायर्स होम लोन कस्टमर्स हैं, लोगों के पास रेरा का ऑर्डर है, बट RBI बैंक से कोई रिलीफ नहीं है, बैंक लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने रेरा तो इसीलिए बनाया था ना, रेरा तो कुछ भी नहीं कर रहा है, रेरा का ऑर्डर आ जाता है, रेरा का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो DM ऑफिस में पड़ा हुआ है, लोगों के 2-2 साल पड़े हुए ऑर्डर ना एग्जीक्यूट होने की वजह से वो निरस्त हो गए हैं, फिर वो दोबारा आप रेरा में जाके वो कर रहे हो, तो ये साइकिल चलता जा रहा है, और लोगों के पास अब इतना पैसा भी नहीं बचा है, एक तरफ EMI दो, एक तरफ कोर्ट में लॉयर की फीस दो, फिर लखनऊ हाईकोर्ट जाके केस फाइल करो, मतलब बहुत। उस प्रोजेक्ट की अभी तक आप EMI दे रहे हैं? मैंने तो EMI बंद कर दिया, बट बहुत सारे लोग दे रहे हैं, EMI बंद कर दिए तो बैंक हमारे पीछे है।
मतलब फर्जी केसेस करके, मतलब घर मिला नहीं और ईएमआई देनी पड़ रही है, कोर्ट में केस भी लड़ना, कोर्ट में केस भी लड़ना पड़ रहा है। बिल्डर के अगेंस्ट भी लड़ो, बैंक के अगेंस्ट भी लड़ो, आरबीआई अपना काम कर नहीं रहा है। आरबीआई ने किसी बैंक पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई इन लैप्सेस के अगेंस्ट। नहीं, आरबीआई तो नजर रखती है। नहीं, हमने कंप्लेंट्स डाली हैं आरबीआई के सीएमएस सिस्टम में, वो बैंक का ही ऑफिशियल क्लोज कर देता है जी सब ठीक है। नहीं नहीं, आरबीआई नजर रखने के लिए बैंकों पे, जब कोई फ्रॉड हो रहा है बैंक पे तो आरबीआई क्यों नहीं एक्शन लेती है? ये तो आरबीआई वाले बताएं, आरबीआई बैंकों के अगेंस्ट क्यों एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये होम लोन स्कैम में 10 लाख लोग फंसे हुए हैं इसमें, कोई ये एक लोग, दो लोग, 10 लोग, एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, अक्रॉस इंडिया ये चल रहा है। आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएं, महाराष्ट्र जाएं, बेंगलोर जाएं, सारी जगह यही है। गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर ली है कंपनी, तो वो कह रहे हैं वो बता रहे हैं लोग और पैसा दो। बिल्कुल बिल्कुल, आम्रपाली में भी ये कर रहे हैं, और इसमें तो सरकार ये कह रही है कि हम यूनिटेक से प्रॉफिट भी कमाएंगे। अरे इन लोगों को पेनल्टियां नहीं मिली हैं, कुछ लोग हैं जिनको मेडिकल की वजह से पैसे वापस मिले, उनको केवल प्रिंसिपल दिया गया। अब एक 30 लाख के लोन पे उस आदमी ने 10 साल ईएमआई दी, 30 लाख तो वो ईएमआई में दे चुका है, वो ईएमआई निल है आज की डेट में, तो उसको प्रिंसिपल का मतलब है कि वो 30 लाख का लॉस हो चुका है उसे 10 साल में यूनिटेक के प्रोजेक्ट में। ऐसी ऐसी हालत है लोगों की, क्या करें? ईएमआई देनी पड़ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हो, इससे तो फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रेस में है, बीपी बढ़े हुए हैं, शुगर बढ़ी हुई है लोगों की, इधर उधर है, कितने कोई बच्चों की प्रॉब्लम्स है, बच्चों को देखें, कोर्ट केसेस को देखें, समझ नहीं आ रहा क्या करें। आरबीआई को, सुप्रीम कोर्ट को क्या मैसेज देना चाहोगे? आरबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करे, लैप्सेस के अगेंस्ट जैसे चंदा कोचर के अगेंस्ट केस लड़ा गया, वैसे और देखो बाकी मैनेजमेंट है, ऑफिसर्स है जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पे फ्रॉड लोन दिए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल के बाद कोई हियरिंग नहीं हुई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में होम बायर्स के लिए कोई हियरिंग नहीं हो पा रही है, केवल ये यूनिटेक का केस नहीं है, यूनिटेक के अलावा और भी प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट में है, जेपी में एनसीएलटी में केस चला, एनसीएलटी में होने के बावजूद, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बावजूद अभी येडा ने, इनकम टैक्स ने वहां पे एनसीएलटी में डाल दिया, मतलब ये तो केस पे केस लड़ते रहेंगे, 10 साल पहले हो गए, 10 साल फिर आप एनसीएलटी में जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो मतलब आपकी तो जिंदगी एक खत्म हो चुकी है। एक आदमी की यूजेबल लाइफ 30 साल की होती है, आपने 30 साल में घर लिया, 20 साल का लोन लिया, आज 10 साल हो गए ईएमआई देते देते, अभी घर मिला नहीं है, जब घर मिलेगा उसके बाद 20 साल तक फिर ईएमआई देनी है, मतलब केवल आप नहीं आपके बच्चे भी ईएमआई देंगे। ये तो आप कह, कोर्ट अपना काम नहीं कर रहा, रेरा अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन नोएडा में देखा गया सुपरटेक की बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरा दी, नहीं उसमें एक एक उस पे वो हुआ, लेकिन होम बायर्स को क्या फायदा मिला? जो वो बिल्डिंग गिराई गई उसमें ये था होम बायर्स को पैसा वापस मिलेगा, आज भी होम बायर्स पैसे के लिए लड़ रहे हैं, उन होम बायर्स को पैसा नहीं मिला जिनका घर गिराया गया, सुपरटेक को वो टाइमली उसमें मैनर में पैसा वापस करना। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है, हमारी रिक्वेस्ट है, प्रेयर है कि कुछ करके करवाया जाए, इसका रेजोल्यूशन निकाला जाए, अदरवाइज लोगों को सुसाइड के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, मायरा में भी सुसाइड करते हुए अटेम्प्ट हुए हैं। थैंक यू।